मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद भाई जीएम को हाईली रेट करने वाले हो, क्योंकि स्क्वाड में चेक कर सकते हो चौथा बंदा आया नहीं और आपके भाई ने जो सोलो डियर पकड़ के इन बंदों को रिवाइव करा था वो भाई नेक्स्ट लेवल मोमेंट थी। उससे पहले टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड रिपोस्ट कर देना है, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सेट कर देना है। पीक के ऊपर हमेशा की तरह लैंडिंग कराई थी आपके भाई ने। ओके, सामने वाला बंदा टोटल एक गोली से। चलो इब्राहिम यहाँ पे 9 AK-47 से, और इसका किल हम लोगों ने यहाँ पे कंफर्म कर लिया था, तो पहला किल हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। अंदर शॉप की साइड बहुत ज्यादा बंदे घूम रहे हैं। एक आध और बंदा है, MAG-7 है। लिटरली ये कैसे नॉक नहीं हुआ? चलो आई थिंक सोनिया, चलो सोनिया की वजह से बंदा भाई थोड़ा सा लेट नॉक हुआ। मैं सोच रहा था कि इतना ज्यादा डैमेज वो भी शुरू में, फिर भी नॉक नहीं हुआ। उसकी सोनिया लग गई थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट नॉक जाके हुआ है। लेकिन हम लोगों ने इसका भी किल यहाँ से कन्फर्म कर लिया था, तो 2 किल यहाँ पे अपने डन। सामने की साइड एक और RDX किलर यहाँ पे नॉक एंड फिनिश। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैंने देखा नहीं कि उमर भाई भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। एक बंदा भाई ऊपर छत की साइड से था जो कि तंग कर रहा था, नीचे आया है और यहाँ पे फुल बॉडी स्प्रे इसको MAG-7 की। तो चौथा किल भी आपके भाई ने यहाँ से ले लिया था। 33 बंदे अलाइव हैं। ओके, साइड पे अभी एक बंदा उतरा है जिसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे शॉट गिरा है, तो इसके ऊपर रश करेंगे। चले जी, गया अली ऑफिशियल। यहाँ पे काफी तगड़े MAG-7 के शॉट। एक बंदा और आ रहा है, और ये गया, ये रेड नंबर भाई आपको जीएम की प्रोफाइल के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भाई नईम भाई भी नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं। सर्वाइवर अपना होता नहीं है तो मुझे ही सर्वाइव करना पड़ता है और रिवाइव भी। लेकिन पता है सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, यहाँ पे हम लोगों को SCAR 3 चिप मिल जाती है। और जब भी आपके भाई के पास SCAR 3 चिप हो तो भाई समझ लिया करो कि गेम भाई नजदीक आस पास भी नहीं भटकना जीएम भाई के, अगरचा उसने सोलो डियर क्यों ना लिया हुआ, क्योंकि आपका माइनस पक्का होगा। गलत बंदे की साइड रश नहीं करना, पता तो होगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 800 टोकन थे और छोटे वाला रिवाइव आराम से हो जाता है। लेकिन नईम भाई कहते हैं, नहीं जीएम भाई आपका यहाँ पे गेम प्ले देखने तो सोलो डेयर पकड़ के रिवाइव कराओ, जैसे आप टिकटॉक वीडियोस में करते हो भाई। तो मैंने इसे यहाँ से पकड़ लिया था भाई सोलो डेयर। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी गेम प्ले इन भाइयों को भी दिखा दें, और गेस व्हाट, इनका रिएक्शन था वो रिकॉर्ड नहीं हो पा, बट नेक्स्ट लेवल रिएक्शन। यहाँ पे एक बंदा आया पीछे की साइड और इसको पता नहीं है गलत बंदे पे ये बंदा रश कर रहा है। पेड़ के ऊपर एक है, लॉन्चर मारा FGL का, उसको 40+ का डैमेज पड़ा है, तो इसके ऊपर रश करेंगे। और ये चेक करो, सोलो डेयर हम लोगों ने लिया है, भाग हो रहा है। अच्छा शॉट, बट कोई ना भाई, इसको मोमेंट के साथ तगड़े वाले शॉट कराएंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र करना है, क्योंकि ये बंदा इधर ही है। थोड़ा सा वेस्ट का इशू था, वो मैंने रिपेयर किट मार ली थी। 2 शॉट ले जी, उसका एक भी शॉट लगने से पहले हम लोगों ने उसको क्लियर कर दिया था। सामने एक बंदा नहीं, 2 हैं, गाड़ी के अंदर आ रहे रश करने। ले जी, एक गोली का पड़ा है, बचा है, और इसको भाई FG लॉन्चर से ही हम लोगों ने नॉक कर दिया। ये वही इब्राहिम है जिसको शुरू में, ओए ये शॉट भाई, बोला था कि इब्राहिम है जिसको हम लोगों ने शुरू में मारा था। तो यहाँ पे सोलो डेयर भी कंप्लीट होने वाला था, और लिटरली 8 किल यहाँ पे हमारे डन हो चुके थे, और इब्राहिम का किल कंफर्म करते 9 हो गए थे। तो यहाँ पे अपने जो टीम मेट है ना, वो शॉक हो गए भाई। बाकी जेम भाई टिकटॉक वाले ही गेम प्ले, आपकी कोई ऐसा वाला सा स्क्रिप्ट वाला सीन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हाईली अप्रिशिएट इन लोगों ने करा है, और यहाँ पे हमारा जो सोलो डेयर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर किसी भाई ने अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो, सर्वाइवर का मैंने मेंशन कर रहा है, वो वाली रिक्वायरमेंट्स जिसके पास जो पूरी कर सकता है वो आ सकता है भाई इस सीजन से। तो उस बंदे को भाई बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट्स भाई पूरी हो जाएगी।